सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना से सटे दिनदली बाजार में एक बार फिर से अवैध लॉटरी और जुआ के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। इसकी भनक लगते ही गुरुवार को थाना प्रभारी राजन कुमार ने दल बल के साथ दबिश दी, जहां उन्होंने पाया कि एक झोपड़ी नुमा अड्डे में लॉटरी से संबंधित तैयारी की जा रही है। तत्काल उन्होंने अड्डे को ध्वस्त किया और कुछ संदिग्ध सामान जब्त किया। सूचना मिल रहा था कि लॉटरी चलाने वाले लोग काफ़ी भरमनशील हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, और मैं गुप्त रूप से छानबीन किया तो मालूम चला कि यहाँ पे एक झोपड़ी बना के वो लोग रखे हैं, जिसके अंदर लॉटरी का खिलाने का जो भी बोर्ड उड है वो सब है, और काफ़ी इसमें संदिग्ध चीज़ मिला हमको। और मैं लॉटरी से जुड़े हुए हर लोग को चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे आदित्यपुर क्षेत्र में कोई लॉटरी का धंधा नहीं होगा। अगर धंधा का किसी तरह से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको जेल भी भेजेंगे और अन्य कार्रवाई भी जो होता है वो भी करेंगे। ये कितने दिनों से चल रहा था? नहीं, ये तो अभी बंद था, लेकिन हमको सूचना मिला कि लोग इसको गोबर से लीप रहा और प्रयास में है कि चालू होगा, या छुटपुट कुछ लग रहा था कि इधर कुछ लोग घूम रहे हैं, इसीलिए कार्रवाई की है। चूँकि प्रूफ से ये सामान रखा हुआ था इस झोपड़ी में, तो हो सकता है वो लोग भविष्य में चालू करता है, इसीलिए ना चालू हो इसके लिए इसको बंद झोपड़ी को में से सब सामान वामान निकाल के जब्त किया जाए। ये किसके द्वारा हैंडल किया जाएगा? ये अभी छानबीन चल रही है, अगर जैसे पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे अंत में फिर एक बार हम बोलना चाह रहे हैं कि आदित्यपुर क्षेत्र में लॉटरी का धंधा नहीं होने देंगे, ना जुआ का धंधा होने देंगे। जिसको जहाँ भी जिस रूप से प्रयास करना कर ले, और अगर हमको मिल गया तो केस भी करेंगे, और जो मेरा अपना स्टाइल है उसमें भी उसको हम सजा देंगे। सर, अपराधी को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी यही देना चाह रहे हैं कि अवैध जो भी धंधा है आदित्यपुर में उसको बंद करें। ब्राउन शुगर, लॉटरी, जुआ, शराब माफिया, ये सबको हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आदित्यपुर क्षेत्र में पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन अब इस सब कोई भी धंधा यहाँ नहीं चलेगा, और अगर मिल जाता है तो फिर हम कड़ी से